करना पड़ता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। काश हमारा जीवन भी दर्शन बन जाता। कबहु कहो यही रह नहीं रहूंगो। विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, क्या मैं भी ऐसी रह नहीं रह पाऊंगा, पर ये रहनी बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं श्री रघुवीर कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहोंगो कब हुक हो यही रहनी रहोंगो। क्या कभी मेरे में संत स्वभाव आ पाएगा? साउंड एकदम कम और कम कर, साउंड कम, वहां से ऊपर से कम करो, नहीं नहीं तो क्या कभी मेरा ऐसा स्वभाव हो पाएगा? दुनिया अपना प्रभाव संभालने के लिए परेशान है। दुनिया किसी को जीतती है तो अपने प्रभाव से जीतती है। लोग दुनिया में किसी को प्रणाम करते हैं तो उसके प्रभाव के कारण प्रणाम करते हैं, लेकिन साधु को प्रणाम करते हैं तो उसके स्वभाव के कारण प्रणाम करते हैं। साधु का प्रभाव क्या? साधु का तो स्वभाव अच्छा होता है। राम जी की पूजा संसार में हुई प्रभाव के कारण नहीं, स्वभाव के कारण हुई। दशरथ जी ने पूछा जनकपुर से आए हुए दूतों को, भैया रे क्या तुम हमारे बुआ को पहचान सकते? बोले हाँ, पहचानऊं तो कहऊं स्वभाव, मेरी राघव जैसा रंग किसी और का भी हो सकता है। इधर देखिए, साउंड एकदम कम, गला नहीं कम कर रहा। मेरी राघव जैसा रंग किसी और का भी हो सकता है, मेरी राघव जैसा रूप किसी और का भी हो सकता है, लेकिन मेरे राघव जैसा स्वभाव किसी और का नहीं हो सकता। 27 कल्प की अनुभवी श्री काकभूषण जी ने कहा, अस स्वभाव कह सुने उन देख कि ही खगेश रघुपति समलेख। ऐसा स्वभाव देखना तो दूर की बात, सुना भी नहीं गया। जैसा स्वभाव श्री रघुनंदन का है तो संत और भगवंत का तो स्वभाव होता है। प्रभाव के कारण दुनिया प्रणाम नहीं करती, उनके स्वभाव के कारण प्रणाम करती है। इसलिए गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं, क्या कभी मैं ऐसा संत स्वभाव स्वीकार कर पाऊंगा। कल जयमल जी की चर्चा हो रही थी, उनके गुरुदेव श्री कृष्णदास जी पयहारी बाबा, जिन्होंने सेवक से कहा जाओ अपने राजा से कहना एक फक्कड़ बाबा जी आया है तेरे यहां, उसके लिए थोड़ा दूध भेज दे।
मजाक में जयमल जी ने भैंसा की ओर इशारा कर दिया, कह दिया इतना ही सिद्ध है, इसी का दूध पी लेगा। महंगी पड़ गई मजाक। पानी से भरा हुआ सरोवर दूध से भर गया, और वो भी भैंसा की दूध से भरा। भैंसा की चार थन लटक आए और उसमें से अजस्र दूध की धारा बहने लगी। पूरा सरोवर दूध से ओवरफ्लो हो गया। उनकी उन्हीं श्री पयहारी जी के चरित्र का आज हम लोग दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण दास पयहारी जैसे, श्री पयहारी जी का चरित्र भी दो छप्पे में अलग अलग जगह दिया। जयमल जी का चरित्र भी दो जगह दिया। पयहारी जी का चरित्र तो दो छप्पे पूरा का पूरा छे छे लाइन, किसी और को उसमें नहीं, अलग अलग जगह दिया। अद्भुतता है ऐसे संतों की। श्री कृष्ण दास पयहारी जैसे, संत मिले कहे और, श्री कृष्ण दास पयहारी जैसे, संत मिले कहे और, श्री कृष्ण दास पयहारी जैसे, संत मिले कहाँ और, श्री कृष्ण दास पयहारी जैसे, संत मिले कहाँ। ऐसे संत का दर्शन बड़ा मुश्किल है। वंश दधीची उर धरेता रहे बाल ब्रह्मचारी, जाके सिर कर धर्यो तासु कर तर नहीं, तासु कर तर कबहून पसारी। नाभा स्वामी को पयहारी जी की सबसे अच्छी बात ये लगी, जाके सिर कर धरे हो तासु कर तर नहीं आड़े। एक बार जिसके सिर पर हाथ रख दिया, फिर कभी उसके सामने में ऐसे हाथ नहीं किया, ये चाहिए या वो चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा साधु कहां मिलेगा। हम तो ये चाहिए वो चाहिए मांग मांग करके भिखारी हो गए। भगवान ने हमें शहंशाह बनाया था। जब हम आए थे तो मुट्ठी बांधे आए थे, इसका अर्थ यह है कि कुछ न कुछ हमें देख के भेजा था। हाथ में कुछ होता तब तो मुट्ठी बनती है, हाथ में कुछ नहीं है तो हाथ ऐसे रहता है। हाथ में कुछ है इसलिए मुट्ठी बंधी हुई थी। ठाकुर ने हमें शहंशाह बना के भेजा, लेकिन यहां आकर के हम भिखारी बन गए। जिसको भी देखते हैं मन करता है इससे कुछ मांग ले, क्या और इसके कपड़े भी उतरवा ले और तो क्या।
हमारा तो सिद्धांत अक्सर हम कहा करते हैं, किसी को देके खुश होना चाहिए, किसी से लेके खुश नहीं होना चाहिए। जो किसी को देके खुश होता है और राम जी का भक्त है, और जो किसी से लेके खुश हुए वो रावण का भक्त है। कैसे? एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। कुबेर जी रावण के बड़े भाई हैं, उनके पास एक पुष्पक विमान था। रावण मारपीट के ले आया उसे, बड़े भाई को मारपीट के ले आया। ये रावण की नीति कैसी? लो इससे। और राम जी की नीति, अयोध्या आए पुष्पक विमान से, राम जी को पुष्पक विमान में चढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कुबेर भक्त हैं भगवान शिव के, वो जानते हैं जिस विमान में रावण चढ़ा उसमें अब वो मुझे स्वीकार नहीं करना। ठाकुर ने कहा ये रावण का प्रसाद नहीं, राम का प्रसाद है, कुबेर जी ले लो। अयोध्या में उतरते ही ये नहीं सोचा कि रास्ते लग तक दो चार दिन रोक लेते हैं, कहीं विभीषण को भेजना पड़ेगा, कहीं सुग्रीव को भेजना पड़ेगा, कहीं निषादराज को, आने जाने में सुविधा रहेगी, ड्राइवर की भी जरूरत नहीं, पेट्रोल भी नहीं लगता, कोई आरटीओ भी चेकिंग नहीं करेगा, ये सब कुछ नहीं। अयोध्या में उतरते ही पहला काम कहा पुष्पक विमान को, अब तुम कुबेर के पास जाओ, जो देखे खुश होवे वो देवता है, जो किसी से लेके खुश होवे वो राक्षस है। जिसके सिर के ऊपर हाथ रख दे उसके सामने में हाथ नहीं फैलाया। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन की काज कुछ लोग ऐसे भी होते समाज में, अभी आप चाय पिलाइए उनको, घर में नहीं पीते होंगे चाय, पिएंगे हाँ आपका मन रखने के लिए पी लेते हैं, फिर 10 मिनट के बाद शिकंजी लेंगे। अरे बोले इतनी गर्मी में अब कौन मना करे शिकंजी ले, अभी चाय पिया शिकंजी तैयार।